सलमान खान के लिए आज गुड न्यूज सामने आई है, क्योंकि बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सलमान को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत अब इस मामले में से जुड़ी तीन याचिकाओं की सुनवाई अब सेशन कोर्ट के बजाय हाईकोर्ट में एक साथ होगी, जिससे सलमान खान को अब बार बार पेशी के लिए कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा। बता दें, सलमान ने सेशन कोर्ट में अपील करते हुए ट्रांसफर पिटीशन दायर की थी। दरअसल सोमवार को सलमान की ट्रांसफर पिटीशन पर सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में करने पर सहमति दे दी है। अब सभी मामलों की होगी हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई, जिससे सलमान को अब बार बार पेशी पर पेश नहीं होना पड़ेगा। इस ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई के वक्त सलमान की बहन अलवीरा कोर्ट में मौजूद थी। कोर्ट से राहत के बाद अलवीरा खान जोधपुर में मुंबई के लिए रवाना हो गई। अक्टूबर 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के पास कंकाड़ी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि मामले में सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम तब्बू व सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। हालांकि हिरण शिकार के 2 दशक से भी पुराने इस मामले में फिल्म स्टार सैफ अली खान, नीलम तब्बू और सोनाली के खिलाफ भी सुनवाई जारी है। इन चारों कलाकारों को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट लाइन न्यूज़।